हेलो दोस्तों, रीडर्स बुक शॉप में आपका फिर से स्वागत है। कैसे किसी को एक पुराने दोस्त की तरह महसूस कराएं? एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि लोगों को तब तक इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप उनके बारे में कितना जानते हैं, जब तक कि आप उन्हें ये नहीं महसूस कराते रहें कि आपको उनकी फ़िक्र है। ये बात तब एकदम सटीक बैठती है जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा शरीर एक ऐसे प्रसारण स्टेशन की भांति काम करता है जो 24 घंटे लोगों को अलग अलग प्रकार के संदेश भेजता है। आपके हाव भाव से लोग ये अंदेशा लगाते हैं कि आप कैसा सोचते हैं और विशेष रूप से आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। इससे पहले हमने आपको एक तरकीब बताई थी जिसमें हमने कहा था कि कैसे आप अपने शरीर को सीधा रखने की आदत से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। इस बार आपको उस आदत में एक और चीज़ जोड़नी है जिससे आपके शरीर के हर हिस्से की हलचल से ऐसा लगे जैसे आपको सामने वाले व्यक्ति की परवाह हो। जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो हमारे दिमाग में हजारों प्रकार के विचार चलते रहते हैं। इसके चलते हम ठीक तरह से ये नहीं सोच पाते कि कौन सा व्यवहार सामने वाले व्यक्ति को अच्छा लगेगा या कौन सा खराब। इसी कारण जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले हमें हड़बड़ाहट से बचना चाहिए ताकि हम ऐसी कोई भी हरकत करने से बच सकें जो सामने वाले व्यक्ति को हमारे बारे में कुछ खराब सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके साथ हम बेहद सहज होते हैं। वो लोग हमारे सबसे करीबी मित्र होते हैं। हम जब अपने किसी करीबी दोस्त से मिलते हैं तो हमें बिल्कुल भी घबराहट महसूस नहीं होती। हम एकदम ध्यान से उनकी बातें सुनते हैं और ना किसी हड़बड़ाहट के अपनी बात उन्हें कहते भी हैं। इसके अलावा हमारा शरीर और दिमाग पूरी तरह से उनके साथ होता है। यहीं से हमारी अगली सलाह निकलती है जहाँ ये कहती है कि जब भी आप किसी नए व्यक्ति से मिलें तो अपने मन में ये मानकर चलें कि वो व्यक्ति आपका पुराना दोस्त है। वो पुराना दोस्त जो आप कई सालों बाद आपको मिला है, इससे आपके अंदर की सारी हड़बड़ाहट अपने आप ही दूर हो जाएगी। इसके अलावा आपका उस व्यक्ति के प्रति व्यवहार भी पूरी तरह से बदल जाएगा जो उस व्यक्ति को अवश्य ही बहुत पसंद आएगा क्योंकि वो व्यक्ति आपसे पहली बार मिल रहा है। इसी कारण से उसके मन में भी ये ख्याल आता होगा कि उसे कितना और क्या बोलना चाहिए। अगर आप सामने वाले व्यक्ति को यह एहसास दिला देते हैं कि आप उनके करीबी दोस्त की तरह हैं तो वो बहुत जल्द ही आपके करीब आ जाएंगे। स्वाभाविक है कि आप उस व्यक्ति को ऐसा नहीं बोल सकते कि वो आपका पुराना दोस्त है। अगर आप सामने वाले व्यक्ति को यह एहसास दिला देते हैं कि आप उनके करीबी दोस्त की तरह हैं तो वो बहुत जल्द ही करीब आ जाएंगे। स्वाभाविक है कि आप उस व्यक्ति को ऐसा नहीं बोल सकते कि वो आपका पुराना दोस्त है क्योंकि वो सच नहीं है। ये बात तो आपको केवल अपने दिमाग को बतानी है जिसके बाद आपका दिमाग अपने आप ही ऐसा बर्ताव करने लगेगा जैसा वो व्यक्ति आपका पुराना दोस्त है। इसी के साथ आपके शरीर के हाव भाव भी बदलने लगेंगे और आप भी उस व्यक्ति के साथ और सहज महसूस करने लगेंगे। पुराने दोस्त होने की सलाह के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप किसी की मन को जीत लेते हैं तो उसके बाद भी आप खुद को एक विश्वास पात्र बुद्धिमान और खुद पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति की तरह आभास कराना होता है। हमारा अगला विषय इसी बात पर होगा कि कैसे हम लोगों के सामने विश्वास पात्र व्यक्ति के तौर पर उभर कर आ सकते हैं। लेखिका की एक दोस्त है जिसका नाम है हेलन। हेलन बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए कर्मचारियों को नियुक्त करने का काम करती है। वो इस काम में इतनी माहिर है कि कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां उनके लिए कर्मचारी चुनने के लिए जिम्मेदारी देती हैं। एक बार लेखिका ने उससे पूछा कि आखिरकार तुम में ऐसा क्या है जो तुम पहचान लेती हो कि कौन सा व्यक्ति इस कंपनी के लिए ठीक रहेगा और कौन सा नहीं। इसके जवाब में हेलन ने कहा कि जब कोई
उससे झूठ बोलता है उसे पता लग जाता है। लेखिका को ये बात बड़ी आश्चर्यजनक लगी तो उन्होंने उससे पुनः पूछा, क्यों उसे झूठ बोलने वाले व्यक्ति के बारे में कैसे पता लगता है? जवाब में हेलन ने कहा कि कुछ दिनों पहले एक महिला उसके पास नौकरी के लिए आई थी। वो महिला बात करते वक्त हर समय उसे आँख से आँख मिलाकर बात कर रही थी। उसने अपनी टांग को अपनी दाएं टांग के ऊपर रखा था। आखिर में जब हेलन ने उससे पूछा कि उसने अपनी पुरानी नौकरी क्यों छोड़ दी तो उसने एक क्षण के लिए कोई जवाब नहीं दिया और उसके चेहरे के भाव भी पूरी तरह से बदल गए। अब उसने अपनी टांग को बाएं टांग के ऊपर रख दिया। इससे हेलन को अंदाज़ा हो गया कि वो महिला झूठ बोलने वाली है। उस महिला ने आगे कहा कि उसकी पिछली कंपनी में उसके आगे बढ़ने की ज़्यादा संभावना नहीं थी। हेलन ने उस महिला का झूठ पकड़ने के लिए उसने फिर से कुछ सामान्य सवाल पूछने शुरू कर दिए। सामान्य सवालों के शुरू होते ही महिला फिर से हेलन के सामने सहज हो गई। थोड़ी देर बाद हेलन ने दोबारा उस महिला से पूछा कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि इस कंपनी के अंदर उन्हें और अधिक बेहतर अवसर मिलेंगे। अपनी पुरानी कंपनी की बात शुरू करते ही वो महिला एक बार फिर असहज हो गई और हेलन से नज़रें चुराने लगी। उसी से हेलन को ये पता लग गया कि वो महिला उससे झूठ बोल रही है। बाद में हेलन को पता लगा उस महिला की पुरानी कंपनी का बॉस काफ़ी अकड़ू था और उसने एक छोटी सी बात के लिए उस महिला को नौकरी से निकाल दिया था। इससे हमें ये समझ आता है कि अक्सर जब हम लोगों से झूठ बोलते हैं तो उन्हें पता लग जाता है। हमारे हाव भाव अचानक बदलने लगते हैं जिससे सामने वाले व्यक्ति को ऐसा आभास होने लगता है कि शायद ये व्यक्ति उनसे झूठ बोल रहा है। वहीं कई बार ऐसा भी होता है कि आप सच बोल रहे होते हैं लेकिन आपकी हाव भाव ऐसी होते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को वो बात भी झूठी लगती है। अब हम जानेंगे कि हम ऐसी हरकतें करने से कैसे बच सकते हैं जिनसे हम सच बोलते समय एक झूठे व्यक्ति की तरह नज़र ना आए। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी बंद कमरे में बैठे हैं और एक मीटिंग का हिस्सा है। गर्मी के चलते आप अपने शर्ट की कॉलर को थोड़ा ढीला कर दिया। अब भले ही इस बात के पीछे कारण कमरे की गर्मी थी लेकिन सामने वाले व्यक्ति को ये लगेगा कि शायद आप मीटिंग के किसी बात के कारण असहज महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि किसी जगह पर अधिक धूप होने के कारण आप बार बार अपनी आँखें झपकाते रहें। इसका कारण चाहे जो भी हो, ऐसा करने से भी सामने वाले व्यक्ति को ऐसा ही लगेगा कि शायद आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं। इसके अलावा ऐसा भी होता है कि किसी से बात करते वक्त हमारे चेहरे या नाक पर हल्की खुजली होने लगती है। स्वाभाविक तौर पर हमारी प्रतिक्रिया होती है कि हम उस जगह को अपने हाथ से खुजाते हैं। सुनने में ये बेहद सामान्य सी बात लग सकती है लेकिन जब आप किसी ज़रूरी मीटिंग का हिस्सा हों और उस वक्त आप ऐसा कुछ करते हैं तो इससे शायद सामने वाले व्यक्ति को आपको नापसंद करने का एक मौका मिल सकता है। इसी बात से निकलती है हमारी अगली सलाह जिसमें हम ये कहते हैं कि आप जब भी किसी व्यक्ति से बात करें तो अनावश्यक रूप से अपने चेहरे या शरीर के किसी भी अंग को बार बार ना छुएं, अपनी पलकें बार बार ना झपकाएं और अपनी पैरों को भी एक दूसरे पर भी बार बार ना चढ़ाएं। इसी के साथ समरी समाप्त होती है। मिलते हैं अगले सीरीज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।